हिम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, मैं हूं नासिर मारूफ। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं ट्रैवल टिप्स के हवाले से, और आज वीडियो थोड़ी सी हट के ओमान के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर, और मैं सारे मिक्स कर लेता हूं उसमें। इंडोनेशिया हो सकता है, मस्कत हो सकता है, दुबई हो सकता है, और सऊदी हो सकता है, अजरबैजान हो सकता है, जॉर्जिया हो सकता है, टर्की हो सकता है, जहाँ जहाँ कंपनी आजकल बन रही है और लोग मूव कर रहे हैं। ये मेरी वीडियो ऐसे तमाम लोगों के लिए जो कि किसी ऐसे मुल्क में जाना चाह रहे हैं, या कंपनी बनाना चाह रहे हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरी वीडियो उन तमाम दोस्तों के काम आएगी अगर आप आखिर तक देखेंगे। पहले तो माजरत, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना सका, कुछ साथी मसरूफियात और प्लस कुछ तबीयत नासाज थी। ये हफ्ता 10 दिन ऐसे ही बुखार और इसमें चला गया, तो अभी भी हालत पसीना आ रहा है, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी थी तो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, पहली बात ये कि कहीं भी कंपनी बनाए, ये सारे ममालिक आपके लिए खुले हुए हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के लिए तो खैर थोड़े से और भी इशू हैं, या अफगानिस्तान और बाकी चीज़ों से। अगर आप कहीं भी हैं, तो अगर आप इन ममालिक में कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये एक चीज होगी। अब मैं दूसरी चीज जाऊं कि यह कंपनी बहुत मिनिमम अमाउंट में बन जाती है सारे इन ममालिक में। इसकी टोटल कॉस्ट अगर आप पाकिस्तानी में बात करेंगे तो 8 से 10 लाख रुपया अगर मैक्सिमम बात की जाए, और अगर यूएस डॉलर में बात की जाए तो तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार US डॉलर आप कह लें। ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग इससे भी कम में बना कर दे देते हैं। तो इस चीज को अगर आप सामने रखेंगे तो आपको लगेगा यूं कंपनी बनाऊंगा, यूं जाऊंगा और अगले दिन अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी बनाना एक अलग चीज है, कंपनी को चलाना एक दूसरी चीज है, कंपनी के साथ आपका सर्वाइव करना एक तीसरी चीज है। लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि 2-3 हज़ार US डॉलर अगर मेरे पास है तो मैं कंपनी बनाऊंगा और शिफ्ट होऊंगा और बिजनेस करूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। कम से कम एक बात को जहन में रखें कि अगर आपके पास एक हैंडसम अमाउंट है तो आप इन ममालिक का रुख करें। पहले दिन आने से आपको रहने के लिए जगह चाहिए, आपको खाने के लिए पैसे चाहिए, और इसके साथ आपको कहीं आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। ये 3-4 तरह के खर्चे आपके फॉर्म फर्स्ट से शुरू हो जाते हैं। तो ये मत सोचें कि कंपनी बनाएंगे अगले दिन अर्निंग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको जेन में रखेंगे जितने की कंपनी बनती है कम से कम 5 से 10 गुना आपके पास अमाउंट है तो आप ये रिस्क लें। अदरवाइज आपको आने की जरूरत नहीं है, अपनी जमा पूंजी जाया करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, इंडोनेशिया में मिला हूँ, दुबई में मिला हूँ, मस्कत में मिला हूँ, अदरबैजान में मिला हूँ, जॉर्जिया में मिला हूँ, टर्की में मिला हूँ, जो लोग बस अपना सारा कुछ बेच बाज के कंपनी बना के खुश हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंपनी बनाना जरूरी नहीं है। कंपनी के साथ साथ आपको बाकी भी सारी चीजें चाहिए, आपको ऑफिस चाहिए, कुछ सेटअप है तो वो करना पड़ेगा, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो जज्बाती ना हो या वीजे के चक्कर में मत पड़े, और ऐसे वीजों पे आप काम नहीं कर सकते। अगर आप कोई जॉब करना चाहें या कुछ और करना चाहें तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि पहले सारी चीजों को चेक करें, क्राइटेरिया उसका देखें, अपना बजट देखें। 2 लाख इधर से पकड़ा, 2 लाख उधर से पकड़ा, 3 लाख उधर से पकड़ा, और आपने समझा कि आपको वीजा मिल गया, आपकी मुश्किल आसान होगी, तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीजों के ऊपर गौर करें, अपना बजट बनाएं, अपने कैसे करना है। कम से कम अगले कंपनी खोलने के बाद भी अगले कम से कम 6 महीने का आपके पास बजट होना चाहिए, जिसमें रहने का, खाने का, और अगर कोई छोटा मोटा सेटअप कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखें कि वो पैसा भी आपको चाहिए। और कोई भी बिजनेस फ्रॉम फर्स्ट डे से स्टार्ट नहीं हो जाएगा कि आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको जान मारनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके कहीं आप इस काबिल होंगे कि आप जो है ना कुछ अर्न कर सकें। तो दोस्तों, खुदा के लिए अपने आप को बचाएं। यहाँ बहुत सारे मेरे दोस्त भाई यूट्यूबर टिकटॉकर सुबह से शाम तक सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में लगे होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ऐसे हैं, कुछ एक लोग हैं जो सिर्फ अपने थोड़े से मफाद के लिए इस तरह की घटिया हरकतें करते रहते हैं। तो दोस्तों, अपनी आंखें खुली रखें, किसी एक बंदे को या दो बंदों को मत देखें, सबको देखें आप कौन क्या कह रहा है। देखें, आजकल गूगल आपके हाथ में है, स्मार्टफोन आपके हाथ में, एक सेकंड में सारी चीजों की कैलकुलेशन निकल आती है। खुद कैलकुलेट करें, सुनी सुनाई बातों पे अमल मत करें।
सुनी सुनाई बातों पे अमल करेंगे तो आप यकीन जाने आप नुकसान उठाएंगे। मैं वीडियो बड़ी मतलब तकलीफ से बना रहा हूं कि हमारे कुछ दोस्तों ने अपने थोड़े से फायदे के लिए इस तरह की घटिया हरकतें की हैं। लोग यहाँ रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जितना को उनके पास पैसा था वो तो खत्म हो चुका है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वापसी का टिकट तक नहीं है। तो यार ये ऐसे कोई ये तरीकेकार नहीं है। बहरहाल आप जरूर देखें, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे की बात सुने लेकिन उसको थोड़ा सा बिहाइंड द स्टोरी भी जाके देखें कि ऐसा क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द एक नई वीडियो के साथ। अच्छी तबीयत भी खराब थी और हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन लोगों की फोन कॉल मैसेजेस इतने ज्यादा थे कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो ठीक है दोस्तों, मुलाकात होती है जल्द एक नई वीडियो के साथ। मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, जहां भी रहें खुश रहें, और मुझे खुश रखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।